वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इंपॉर्टेंट वाला 5 है, याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसका 5 का 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इसको बनाने से पहले देखिए कैसे पता चलेगा, आप सबसे ज्यादा कहाँ कन्फ्यूज होते हैं बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगा है। हमको तो पता चल गया, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो देखिए कैसे पता चलता है। ये क्वेश्चन दिया है जो कॉस है साइन है, कॉस है साइन है। अब बदलना किसमें है, कॉसिक और कॉट में। आप बताइए कि जब कॉस रहेगा या फिर साइन रहेगा। ठीक है, कोशिश करना है कि क्या करना है, कॉसिक में बदल जाए और कॉट में बदल जाए। तो यहाँ कॉस है, क्या कीजिएगा कि कॉसिक आ जाए नहीं तो कॉट आ जाए। अगर यहाँ साइन रख दें तो आप बताइए कि यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा अगर मान लें तो कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉस बट्टा साइन आपका कॉट होता है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ साइन रख रहे और यहाँ भी साइन रख दे, ठीक है, क्या रख दें, साइन थीटा, और एक वन भी है तो वन के नीचे भी साइन रख दें, तो हाई तो कट गया, तो ये तो वन बचेगा। ठीक है, लेकिन ये वन बट्टा साइन क्या होता है, कॉसिक होता है। क्या होता है, कॉसेक। आप बताइए कि इस ये बदल गया कॉट में और ये बदल गया किस में, कॉसेक में। अब वही तो लाना है, ये दिया था, ये दिया था, ये तीनों दिया है यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसे ही जनरली लिखे हैं और बदलना होगा हमको इसमें। इसका मतलब कि सब के नीचे अगर साइन रख देंगे तो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिमाग यही लगाना है इसमें, याद रखिएगा। क्या लगाना है कि हमको ये आएगा कैसे, यहाँ पे यहाँ से चल के ये लाना है, कैसे करे, कैसे बनाए। तो उपाय था कि अगर इसको हम साइन रखते हैं तो ये कॉट में हो जाएगा, क्योंकि कॉस बटा साइन तो कॉट होता है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्ले लिस्ट खोल करके देखिए, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला से मोहब्बत हो जाएगा। कैसे, ट्रिक बताएं ना, उसमें जाकर के देखिए। यहां देखो, फॉर्मूला बनाना सीखिए आप। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, सब में साइन से गुणा करेंगे। लेकिन एक और बात है, मान लीजिए कि ऊपर वाले में आपने साइन से गुणा कर दिया तो नीचे वाला में भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं तो ये हमेशा गुस्सा हो जाए कि जब ऊपर वाले में साइन से अपने मर्जी से किए तो हमरा में भी अपने मर्जी से कीजिए, दोनों के साथ बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ दोनों में अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी नोमरेटर और डिनोमरेटर बोलते हैं। अंश और हर में साइन से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा अंश तथा हर में साइन से, साइन ए है ना, ए है तो ए डालिएगा, साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, हमको लाना है यही, ऐसा करना है ना कि यहाँ पे सब भर के कट उट के सब बच जाए, यही सिर्फ बच जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, साइन ए माइनस सॉरी कॉस ए साइन ए प्लस वन, यहाँ भी कीजिए साइन ए से, यहाँ भी कीजिए साइन ए से, और यहाँ भी साइन ए से, पूरा ऊपर में साइन ए से, तो ऊपर वाला अंश हो गया। अब यहाँ पे देखिए, नीचे वाला में भी साइन से तब करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि नाइंसाफी तो किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा साइन ए बट्टा साइन ए और माइनस वन बट्टा साइन ए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉस बट्टा साइन हो जाता है कॉट ए, माइनस साइन से साइन कट गया तो एक बचा। ठीक है, वन बट्टा साइन होता है कॉसिक, ये भी हो जाएगा कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा कॉट ए, ये कट गया तो क्या बचा वन, और ये हो गया कॉसिक ए। ठीक है, अब लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा ये इसमें दिख रहा है, यहाँ कॉट है कॉसेक है कॉट है कॉसेक है, इसी को सही रूप में हम लोग ला दे सब कट जाएगा, बचना चाहिए क्या कॉस और कॉसेक, कॉट और कॉसेक, तभी आ जाएगा आंसर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सजा लीजिए बढ़िया से, देखिए कैसे हम सजा रहे हैं, एकदम सेम इसी रूप में सजाना है। कॉट ए इसको पास में लाइए, या फिर ऐसे लिखिए, कॉट है ना तो अब लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्योंकि ये पास में है तो पास में लिख देते हैं। माइनस को उधर ढकेल दो, छंट दो उधर, इसको भी पास कर लो कॉस, चाहे इसको रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसे, कॉस ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए, हमको ऐसा काम करना है ना कि बस ये दोनों बच जाए, ठीक है, यही ना दोनों लाना है, ये भी कट जाए ये भी कट जाए, ऐसा दिमाग लगाना। तो एक दिमाग लगा सकते हैं आप,
cot a प्लस cosec a, वन का फॉर्मूला कोई होता है, देखिए यही ना बचाना है, तो कोशिश करना है कि इस टाइप का ऊपर आ जाए, अगर ऊपर आ जाएगा तो इस ऊपर वाले से ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा, तो कोशिश ये है कि कहीं पे यहाँ cot होगा, ठीक है, कहीं पे cot a या cosec a वन के टर्म में फॉर्मूला होता था, आपको फॉर्मूला स्क्वायर फॉर्मूला हम बताए थे, उसमें ट्रिक भी आपको बताए थे, ठीक है, कि एक वन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वन का फॉर्मूला, तो यहाँ होता है cosec स्क्वायर ठीक a है माइनस cot स्क्वायर a, यही फॉर्मूला हम बताए थे, वन का एक फॉर्मूला होता है ये आप याद रखिएगा, वन का क्या होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर में क्या हो जाता है वन हो जाता है। अब वही तो काम यहाँ कर लेना है, देखिए उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा बट्टा है तो बट्टा डाल दीजिए cot a प्लस वन माइनस cosec a, यहाँ पे फिर से आगे कुछ स्टेप बढ़ाइए cot a प्लस cosec ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे है, मतलब ये ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए को प्लस में होता है यानी कि सी ओ एस सी सी cosec a प्लस cot a इंटू ये हो जाएगा आपका cosec a माइनस cot a, एक बार प्लस में होता है एक बार ये जो बट्टा में है उसको लिख दीजिए, बट्टा में क्या है cot a प्लस वन माइनस cosec a। अब बताइए यहाँ पे कितना हिस्सा में ये टूटा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए तो cot a cosec a, यहाँ पर भी है cot a cosec, मतलब ये भी और ये भी दोनों सेम है कि नहीं, कुछ हद के लिए देखिए यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दो हिस्सा में इसको रख लीजिए, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे देखिए ई वाला हिस्सा कॉमन दिख रहा है, इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे भी है, तो दोनों में से बाहर निकाल लेंगे कॉमन, अगर बाहर निकालते हैं तो cot a प्लस cosec a जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो वन बचेगा माइनस यहाँ बचेगा सी ओ एस ई सी, एक निकल गया तो ये तो बचेगा ना cosec a माइनस cot a, अब बट्टा में जो बचा है वो लिख दो सी ओ टी cot a प्लस वन माइनस cosec a, ठीक है, इतना आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर फिर बता रहे हैं इसको, यहां जब देखिएगा तो बचा है cot a प्लस cosec a, और जब माइनस में ये दोनों से गुणा होगा ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है आगे वाले में गुणा होता है तो बच जाएगा यहां पे क्या बचेगा आपका वन माइनस cosec a, अब माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot a, अब बट्टा में बचेगा cot a प्लस वन माइनस cosec a, ये देखिए ये और ये दोनों सेम है, cot है प्लस में cot है, प्लस में वन है ये भी प्लस में वन है, अब माइनस में cosec है तो माइनस में cosec है, इससे ये दोनों खत्म हो गया तो क्या बचा cot a प्लस cosec a, proved प्रूव्ड मतलब साबित हुआ, यही तो बचा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताया था कि नीचे ये वाला cosec लाना है तो यहाँ साइन होगा तब नहीं ये cosec में बदलेगा, यहाँ नीचे साइन होगा तब नहीं ये cot में बदलेगा, इसीलिए हम इससे अपने से भाग करते हैं, आप कोई भी काम जब अपने से करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी करना पड़ता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, दुनिया का कोई क्वेश्चन हो अगर रूट में दिया हो और वो रूट के अंदर बट्टा में कोई भी चीज़ हो तो उसका परमीकरण करते हैं यानी रेशनलाइजेशन करते हैं, कैसे, अगर मान लीजिए कि एक बट्टा रूट टू है तो यहाँ यही चीज़ सेम ऐसे दो बार लिख देना ही परमीकरण यानी रेशनलाइजेशन कहलाता है, अगर यहाँ पर है अंडर रूट वन प्लस थ्री या यहाँ पर लिख दे अगर 2 प्लस रूट टू कुछ भी लिख दें तो सेम चीज यही यहां लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जहां प्लस रहता है वहां क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, दो बार यही हम लोग लिख देते हैं, देखिए ये वाला चीज जो है नीचे का ही चीज ऊपर लिखते हैं लेकिन जहां प्लस होता है वहां क्या हो जाता है माइनस, तो आप कहिए सर आप यहां क्यों नहीं किए हैं प्लस में तो यहां पे माइनस में लीजिए कर दीजिए, आखिरकार माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहां पे आप परमीकरण ऐसे ही करेंगे, सेम चीज को लिख देना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है, बहुत ही आसान तरीके से ये भी बन जाएगा, देखिए ये रूट में है ना एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड से चलते हैं, क्या है तो रूट में लिखा है वन प्लस साइन ए और यहाँ लिखा है वन
माइनस साइन ए। इसी नीचे वाले को सेम एक बार लिखिए, अंडर रूट वन, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, साइन ए, और यहाँ वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक जैसा है तो आप क्या कीजिएगा, जब दोनों एक जैसा रहता है तो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर दो बार है तो दो बार लिख दिए, और ये फॉर्मूला पर सेट है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, तो यहाँ इसके लिए सिर्फ बचेगा वन प्लस साइन ए, लेकिन इसके लिए रूट खत्म नहीं हुआ है, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर से रूट तो खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ इसके लिए खत्म हुआ, इसके लिए रूट है, इसीलिए ये वाला हम लोग रूट में रखेंगे। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बच गया वन प्लस साइन ए, अब बटा में यहाँ कॉस ए। अब बताइए सबका बट्टा ना कॉस है, एक का भी बट्टा कॉस है, साइन का भी बट्टा कॉस है, तो अपना अपना पर्सनली ले लेगा, एक कहेगा हमको भी कॉस में हिस्सा चाहिए, साइन कहेगा हमको भी कॉस में हिस्सा चाहिए, तो दोनों ने अपना कॉस ले लिया। वन बट्टा कॉस होता है सेक थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, पी आर ओ वी ई डी प्रूफ। देखिए तो यही चीज आ गया, आर एच एस आ गया, यानी एल एच एस से चले तो क्या मिल गया, आर एच एस मिल गया। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, और आपको 95 प्लस अगर लाना है जबरदस्त, अपने एरिया में अगर टॉप ऑफ द बेस्ट रिजल्ट लाना है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, आपका रिजल्ट आए गारंटी की बहुत बेस्ट आएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसका 7 और 8 लेकर के, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।